हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में मैन कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि मैन कमांड का क्या यूज़ है. तो मैन कमांड स्टैंड्स फॉर मैनुअल पेस कमांड. तो मैन कमांड का मतलब है मैनुअल पेस कमांड. तो दिस कमांड इज यूज टू सी द मैनुअल ऑफ एनी कमांड. तो इस कमांड का यूज करते हैं किसी भी कमांड का मैनुअल देखने के लिए. तो किसी भी कमांड का मैनुअल देखने के लिए इसका मतलब यह है कि यूनिक्स या लाइनेक्स में हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं. तो किसी भी कमांड का अगर हमें मैनुअल देखना है, किसी भी कमांड की हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखनी है कि उस कमांड का क्या यूज है, उस कमांड के बारे में जानना है कि ये कमांड एक्चुअली में है क्या, तो उस कमांड की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या फिर उस कमांड का जो मैनुअल है वो हम मैन कमांड को यूज करके देख सकते हैं. तो मैनुअल इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न अबाउट लाइनेक्स. तो यूनिक्स या लाइनेक्स में जो मैनुअल की फैसिलिटी है तो वो मैनुअल एक बेस्ट रिसोर्स है अगर आप लाइनेक्स या यूनिक्स के किसी भी कमांड्स को लर्न करना चाहते हो. तो कमांड्स इन यूनिक्स या लाइनेक्स आर सच एस ls man pwd cat date cp etc. तो यूनिक्स या लाइनेक्स में जो कमांड्स होते हैं वो होते हैं ls. ls एक कमांड है यूनिक्स या लाइनेक्स में. मैन pwd कैट डेट cp ये सारे के सारे जो है यूनिक्स या लाइनेक्स में ये कमांड्स है. तो किसी भी कमांड्स का अगर हमें मैनुअल देखना है या उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जाननी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है मैन man मैन और इसके बाद स्पेस देनी है. और इसके बाद जिस भी कमांड की हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस भी कमांड का हमें मैनुअल चाहिए उस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस कमांड के रिगार्डिंग 4 या 5 पेजेस डिस्प्ले कराएगा. तो उसे पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि वो कमांड एक्चुअली में क्या है और किस चीज के लिए यूज होती है. और जब हम मैन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो मैन कमांड से बाहर निकलने के लिए भी हमें एक कमांड को यूज करना होता है, उसको क्यू कहते हैं, यानी कि प्रेस क्यू टू क्लोज द मैनुअल पेज. अगर मैन कमांड से बाहर आना है तो क्यू प्रेस करना पड़ेगा या मैनुअल पेज को क्लोज करना है तो क्यू प्रेस करते हैं. तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का ये वर्जन है. तो यहाँ पे जो है यूनिक्स में मेरे पास यूनिक्स या लाइनेक्स में जो है हमारे पास बहुत सारे कमांड्स है. तो एक कमांड है ls कमांड. तो यहाँ पे मैन कमांड को यूज करके हम देखेंगे कि ls कमांड एक्चुअली में है क्या, यानी कि ls कमांड का मैनुअल जो है वो चेक करेंगे. तो सबसे पहले टाइप करेंगे man मैन, इसके बाद स्पेस, और जिस भी कमांड का मैनुअल देखना है हमें उस कमांड को टाइप करेंगे. तो मुझे ls कमांड का मैनुअल देखना है, तो ls और इसके बाद एंटर. तो ये ls कमांड की पूरी डिटेल्स है. तो जब इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, और मैक्सिमाइज करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स नीचे लिखी हुई होगी. तो ये ls कमांड की पूरी डिटेल है कि ls कमांड क्या है, ls कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं. तो ये है ls कमांड की पूरी डिटेल्स. तो इसको वापस नॉर्मल फॉर्म में कर लेते तो मैंने नॉर्मल फॉर्म में कर लिया है. और अब मुझे इस मैन कमांड से बाहर आना है तो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा क्यू, और क्यू प्रेस करते ही मैं बाहर आ गया. तो यूनिक्स या लाइनेक्स में हमारे पास मैन man मैन कमांड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी एक कमांड ही है. तो इसके बारे में अगर मुझे मैनुअल देखना है या इसकी पूरी डिटेल्ड मुझे जाननी है तो मैं क्या करूंगा, मैं टाइप करूंगा man मैन स्पेस, और मैन कमांड की मुझे डिटेल्स जाननी है, मैन कमांड का मुझे मैनुअल जानना है
तो MAN मैन टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मैन कमांड की पूरी डिटेल्स आ गई है। फिर इसको मैक्सिमाइज करके और फिर स्क्रॉल डाउन करके हम चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये मैन कमांड एक्चुअली में है क्या और मैन कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शन है। तो वापस नॉर्मल पोजीशन पे चलते हैं, तो ये मैं वापस नॉर्मल फॉर्म में आ गया और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैं क्यू प्रेस करूँगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कमांड है कैट कमांड, तो चलिए कैट कमांड का मैनुअल चेक कर लेते हैं। तो मैं टाइप करूंगा MAN मैन स्पेस CAT कैट और एंटर, तो ये मैन कमांड का पूरा कैट मैनुअल आ गया है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये मैंने मैक्सिमाइज कर दिया और स्क्रॉल डाउन करके हम चेक कर सकते हैं कि हम कैट कमांड के साथ ये सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया मैं और अब मुझे इस मैन कमांड से बाहर निकलना है, तो क्यू प्रेस करूंगा, तो ये मैं बाहर आ गया। अब इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, CLEAR क्लियर और एंटर, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था मैन कमांड का यूज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।